पोको F4 5G 6GB 128GB 27,999 रुपए विदाउट बैंड डिस्काउंट। ये है आइकोनियो 6, इसका बेस वेरिएंट है 8GB 128GB जो 29,999 रुपए मिलता है, बैंड डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा 26,999 रुपए में। पोको F4 5G का भी 8GB 128GB आपको मिल जाएगा 29,999 रुपए में, बैंड डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपए। यानी पोको F4 5G आपको 2000 सस्ते में मिल सकता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर ने एंड दोनों स्मार्टफोन में आपको 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। वैसे चार्जिंग स्पीड में आइकोनियो 6 थोड़ा सा आगे है और बैटरी कैपेसिटी में भी, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कैमरा के बारे में। कैमरा सिस्टम में भी ऑन पेपर दोनों स्मार्टफोन मोर और लेस सेम दिख रहा है। दोनों स्मार्टफोन 64MP के OIS कैमरा के साथ आता है एंड दोनों स्मार्टफोन में आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस मिल जाएगा 2MP के मैक्रो लेंस के साथ। बट सेल्फी शूटर पोको F4 5G ऑफर करता है 20MP का और आइकोनियो 6 16MP का। गाइस ये कुछ शॉट्स मैंने शाम को 4 बजे बारिश के बाद क्लिक किया था एंड जो ब्लू कलर दिख रहा है ना स्काई का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही फिल्मी स्टाइल का लग रहा था एंड दोनों स्मार्टफोन ने उस फील को अच्छे से कैप्चर किया। बट पोको F4 5G बेटर लग रहा है अगर कलर रिप्रोडक्शन की बात करूं, मतलब जो ब्लू कलर है ना उसको ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया है पोको ने। डायनेमिक रेंज और एक्सपोजर की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन मुझे ओके लग रहा है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में लाइक लाइट सोर्स अगर सामने से आ रही हो अगेंस्ट द सनलाइट वाले शॉट्स में आइकोनियो 6 ज्यादा अच्छे से एक्सपोजर को मेंटेन कर सकता है एंड शेडो वगैरह को भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है आइकोनियो 6। जो डार्क एरिया है पिक्चर में उसको ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर रहा है। लो लाइट फोटोग्राफी की अगर बात करूं, डार्क सिचुएशन में ले गए शॉट्स की अगर बात करूं, तो अगेन आइकोनियो 6 बेटर दिख रहा है। स्पेशली गाइस एकदम डार्क सिचुएशन में लिए गए शॉट्स में आईको मच सुपीरियर लग रहा है पोको से। वापिस आते हैं 64MP वाले OIS कैमरा पे। ओवरऑल जो डिटेलिंग है उसमें भी आइकोनियो 6 बेटर दिख रहा है। ऑलमोस्ट सारे पिक्चर्स, चाहे वो बारिश से पहले लिए गए शॉट्स हो या फिर बारिश के बाद, ऑलमोस्ट सारे शॉट्स में आइकोनियो 6 ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग कैप्चर कर सकता है, ज्यादा शार्प इमेजेस क्लिक कर सकता है पोको से। एंड वाइड एंगल शॉट्स की अगर बात करूं तो इस बार आइकोनियो 6 का जो कलर है वो थोड़ा ज्यादा पंची लग रहा है, स्पेशली जो ग्रीन कलर है देख सकते हो, थोड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है, बट अगेन डिटेलिंग एंड शार्पनेस में आइको बेटर दिख रहा है पोको से। एंड गाइस ये कुछ पोर्ट्रेट एंड मैक्रो शॉट्स शेयर कर रहा हूँ। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो दोनों स्मार्टफोन से 1080p 30 और 60 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K 30 और 60 fps पे। आइकोनियो 6 1080p 30 fps पोको F4 5G 1080p 30 fps पोको F4 5G 1080p 30 fps पोको F4 5G 1080p 60 fps आइकोनियो 6 1080p 60 fps पोको F4 5G 4K 30 fps एंड सेल्फीज के लिए भी मुझे अगेन आइकोनियो 6 पोको F4 5G से बेटर दिख रहा है। पोको F4 का जो सेल्फीज है ना बहुत ज्यादा शार्प आता है, तो आपको ब्यूटी ऐड करना पड़ेगा। मैंने दोनों में 15% ब्यूटी ऐड कर दिया है। डिटेलिंग दोनों ने अच्छे से कैप्चर किया है, स्किन टोन भी दोनों का ओके है, लेकिन मुझे आइकोनियो 6 ज्यादा बेटर लग रहा है। स्किन जो है वो आइकोनियो 6 में ज्यादा स्मूथ लग रहा है एंड ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है यानी जो सेल्फी है वो आइकोनियो 6 का ज्यादा सुंदर लग रहा है। कोई भी बंदा ज्यादा सुंदर दिखना चाहेगा और ऐसे ही सेल्फीज लेना चाहेगा, बट एक बात है पोको F4 4G से आप ज्यादा बड़ा एरिया कैप्चर कर सकते हो यानी वाइड शॉट्स ले सकते हो। मुझे ओवरऑल आइकोनियो 6 का कैमरा बेटर लगा। अगर मुझे दोनों में से कोई एक पिक करना पड़े कैमरा के लिए तो मैं आइकोनियो 6 पिक करूंगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हो जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।